इतना बढ़िया लच्छेदार हलवा दिख रहा है, ये देखने में जितना अच्छा लग रहा है ना, उससे कहीं ज्यादा खाने में स्वादिष्ट लगता है। आप बाकी सब हलवा भूल जाएंगे जब ये हलवा बनाकर खाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये लौकी का हलवा है, जिसे घिया या दूधी भी बहुत जगह का कहा जाता है। तो दोस्तों, जल्दी से बनाते हैं ये हेल्दी और स्वादिष्ट हलवा। इससे पहले कि मैं हलवा की रेसिपी बताऊं, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरी सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे और मेरे रेसिपी को ट्राई करने का भी मौका सबसे पहले आपको मिलेगा। लौकी के हलवे के लिए सबसे पहले मैंने लिया है एक लौकी, ये 500 ग्राम के बराबर है। इसे पील करके धो लिया है, धोकर ग्रेट कर लेंगे। ये देखिए मैंने ग्रेट कर लिया है। फिर कढ़ाई में 2 टेबलस्पून देसी घी डालकर इसमें घिया डाल देंगे। इसे मिक्स करके इसे कवर करके पकाएंगे। घी के साथ लौकी को अच्छे से कुक करना है। ऐसा हम इसलिए करेंगे क्योंकि जब तक ये घी के साथ अच्छे से कुक नहीं होगा, अगर हम दूध डालेंगे तो दूध फट जाएगा। अगर हमने अच्छे से घी के साथ इसको कुक कर लिया ना, तो दूध डालने पे बिल्कुल भी नहीं फटेगा। इसे बीच में कवर हटा के चलाएंगे, फिर कवर करेंगे। अब ये कुक हो गया है, अब इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून डेसिकेटेड कोकोनट, 1 टेबलस्पून मिल्क पाउडर और 1 कप दूध, जिसमें मैंने पूरी दूध का मलाई भी ले लिया है। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे 1.5 टेबलस्पून चीनी और थोड़ी सी इलायची पाउडर। इन सबको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब इसमें डालेंगे, अभी इसमें डालेंगे काजू और बादाम को, जिसे मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है, लंबे पतले टुकड़ों में, और 8-10 किशमिश भी ऐड कर देंगे। इसके साथ ही इसमें ऐड करेंगे इसका कलर अच्छा करने के लिए 1 पिंच ग्रीन फूड कलर, जिसे मैंने पानी में 1 चम्मच पानी में घोल लिया है। इसे हलवा का कलर बहुत बहुत अच्छा दिखता है। अब इस कलर को डालने के बाद अच्छे से चारों तरफ मिक्स कर लेंगे कि ये सब पूरे हलवे में अच्छे से मिक्स हो जाए, एक जैसा कलर दिखे। अब इसे ड्राई होने तक कुक कर लेंगे। अब ये देखिए ड्राई हो चुका है, अब गैस ऑफ कर देंगे। एकदम बढ़िया लच्छेदार हलवा तैयार हो गया है ना। इसे आप ज़रूर मेरे तरीके से बनाइए और कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। फिर जल्दी मिलती हूँ एक और नए रेसिपी के साथ।